अपनी हसरत पूरी करनी है और अपनी पत्नी को माँ बनने का सुख देना है तो अंदर आ जा, नहीं तो वापस लौट जा। बच्चा, पर राजा बेताबी से उस रास्ते से अंदर जाता है और अपने सामने उस तांत्रिक को देख डर जाते हैं। वहाँ इंसानी हड्डियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ आग जल रही थी, जिसे देख राजा घबरा कर कदम पीछे लेने लगा तो तांत्रिक की आवाज उस गुफा में गूंज उठती है। तेरी किस्मत ही तुझे मेरे पास लाई है, अगर आज तू वापस लौट गया तो कभी तू बाप नहीं बन पाएगा। पर मैं पहले से जानता हूँ मैं कभी बाप नहीं बन सकता और ये संभव भी नहीं है, तो आप मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए। हर असंभव चीज को संभव बना सकता है ये अघोरी तांत्रिक, क्योंकि हर चीज की एक भारी कीमत होती है जो हर कोई नहीं चुका सकता। तू भी बाप बन सकता है, पर क्या तू उसकी कीमत चुका पाएगा? क्या ये संभव है? क्या करना होगा मुझे उसके लिए? मैं आपको कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। करना तुझे नहीं बल्कि वो करेगा। मैं अपनी विधि, अपने मंत्र और अपने काले जादू की तपस्या से तुझे औलाद का सुख दे सकता हूँ, पर क्या बाबा, बताओ ना। तेरा बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह ही आम बच्चा होगा, पर उसके जन्म में मेरे काले जादू का हाथ होगा। इसलिए जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, वो एक अच्छे इंसान से एक बुरा इंसान बन जाएगा। चोरी, डकैती, लोगों की जान लेना, लोगों का दिल दुखाना, दुनिया की हर बुराई उसमें होगी और तुम लोग चाह कर भी ना तो उसे एक अच्छा राजा बना पाओगे और ना ही एक अच्छा इंसान। अब बताओ, मंजूर होगा ऐसा बच्चा? ये सुनकर राजा के पांव तले जमीन ही खिसक गई। नहीं नहीं, मैं एक ईमानदार राजा हूँ, मैं ऐसा बच्चा हरगिज नहीं चाहूंगा। मैं वापस जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा और ना ही बच्चे की कोई इच्छा अपने मन में रखूंगा। ना कहकर राजा तेज कदमों से वहाँ से निकल जाते हैं और वापस महल के लिए निकल पड़ते हैं। तू वापस जरूर आएगा राजा, क्योंकि तेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। और एक बात जो सबसे खास थी वो मैं तुझे नहीं बताया। एक दिन तेरा वही बच्चा तुझे और तेरी पत्नी को मारकर तेरा वंश, तेरा नाम सब मिटा देगा, कि औलाद का मुंह अंधा होता है। राजा महल वापस आकर रानी को सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर रानी खुशी से पागल हो जाती है और राजा को मनाते हुए कहती है, हमें बच्चा चाहिए महाराज। उस बच्चे को हम अपने प्यार से इतनी संस्कार सिखाएंगे कि वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। आप क्या कह रही हैं महारानी? वो बच्चा काले जादू की मिलावट से होगा, हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। हम कुछ नहीं जानते महाराज, हमें माँ बनना है बस। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपनी जान दे देंगे। ये सुनकर राजा भी मजबूर हो गए और वो रानी को खो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने रानी की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन उन तांत्रिक को शाही सवारी भेजकर महल बुलवा लिया गया। तांत्रिक ने रानी को कुछ जड़ी बूटी का पानी दिया, जिस पर उसने अपना जादू करके रानी को दिया था। उसे पीने के कुछ दिन बाद रानी के गर्भ में बच्चा आ गया। इस खबर से एक बार फिर उदास राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और वो दिन भी आ गया जब महल में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। रानी तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही। भगवान ने मेरी सुन ही ली, अब इसे मैं हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी और इसका नाम होगा दीपांश भवानी सिंह। रानी अपनी संतान होने की खुशी में तांत्रिक की बात भी भूल चुकी थी, पर राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी हो। औलाद हुई भी तो ऐसी शर्त पर। राजा बगीचे में अकेले चिंता में बैठे हुए थे, तभी वहाँ टोनी चिड़िया राजा के कंधे पर आकर बैठ गई। परेशान लग रहे हो संतान होने पर भी? अरे तुम यहाँ? हाँ, उस दिन तुमने मेरी मदद की थी ना, तब से मैंने तुम्हें अपना मालिक मान लिया। आज से मैं यही रहूंगी। क्यों, तुम्हें जरूरत पड़ेगी आगे? बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं।
राजा ने चिड़िया को वहाँ रहने की मंजूरी दे दी। धीरे धीरे दीपांश बड़ा होने लगा था। बीतते समय के साथ अब राजा को भी लगने लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। जब दीपांश 6 साल का हुआ तो राजा ने उसे पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेज दिया, पर उसके 2 महीने बाद ही राजकुमार को उसके गुरु ने वापस भिजवा दिया। तब राजा ने दीपांश से पूछा, राजकुमार दीपांश, हमने आपको शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल भेजा था, आप वापस क्यों आ गए? मुझे वो गुरु पसंद नहीं है। मेरा जब शिक्षा पाने को मन नहीं होता तब भी वो मुझसे जबरदस्ती करवाता, इसलिए उनके बेटे को चाकू से मारा जिससे उसको खून निकल गया और मैं भागकर यहाँ आ गया। आप मुझे बचा लीजिए पिताजी, वरना वो बूढ़ा गुरु मेरी जान ले लेगा। आप अपनी तमीज भूल रहे हैं राजकुमार, गुरु की इज्जत की जाती है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई गुरुजी के बेटे पर जानलेवा हमला करने की? माफ कीजिए पिताजी, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वक्त के साथ साथ अब राजकुमार की गलतियां भी बढ़ती जा रही थीं। राजा और रानी जिन्हें चाह कर भी नहीं रोक पा रहे थे। कभी वो महल में ही चोरी करता तो कभी मदिरा पान करता, कभी किसी को बिना वजह मार कर आता तो कभी अपना राजकुमार होने का हक दिखा कर लोगों को सताता। देखते ही देखते राजकुमार 18 साल का हो चुका था, और एक दिन तो हद ही हो गई जब एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ महल आया। दुहाई महाराज, दुहाई, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। आप रो क्यों रहे हैं, खुलकर बताएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मेरी एक इकलौती बेटी थी, मेरे बुढ़ापे का सहारा। आपके राजकुमार दीपांश ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और ये बात पूरे राज्य में फैल गई, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। मैं लुट गया महाराज, आपका राजकुमार ही मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। राजा के होश ही उड़ जाते हैं। आज तक जिस राज्य को परिवार माना था राजा ने, आज उनके बेटे की वजह से किसी मासूम की जान चली गई थी। राजा का सर शर्म से झुक गया, उन्होंने उस बूढ़े के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं तो आपके सामने खड़े होने लायक भी नहीं हूँ, आपकी बेटी को वापस तो नहीं लौटा सकता, पर इसकी सजा राजकुमार को जरूर मिलेगी। तुरंत ही राजकुमार को वहां लाया गया, और राजा ने जैसे ही राजकुमार से पूछा तो राजकुमार गुस्से से भर जाता है। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है, बस उसके साथ मैं कुछ पल बिताना चाहता था, वो मुझे घमंड दिखा रही थी। किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि अगर राजकुमार को कुछ चाहिए तो उसे मना नहीं किया जा सकता। उसने अगर आत्महत्या की है तो उसे मेरा नाम मानने की सजा मिली है। राजकुमार की बात सुनकर राजा गुस्से से भर गए। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ राजकुमार के गाल पर जड़ दिया, और राजकुमार ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने भी गुस्से में राजा को थप्पड़ मारने को हाथ उठाया तो तुरंत रानी ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। तुझे पाने के लिए हमने बरसों तपस्या की है, सब कुछ तुझ पर न्योछावर कर दिया, और तूने क्या किया, अपने पिता पर हाथ उठाने की कोशिश की। सब मेरी ही गलती है, तू उस तांत्रिक की वजह से पैदा हुआ है, ना तो काला जादू तो तेरे सर पर चढ़ेगा ही ना। आज तुझे पैदा करके अफसोस हो रहा है, इससे अच्छा तो हम वे औलाद ही रह जाते। ये बोलकर रानी रोते हुए वहाँ से चली जाती है, और राजकुमार हैरत में पड़ जाता है। मैं बाकी बच्चों की तरह पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। हे भगवान, मैं क्या करूं? राजा ने अपना हाथ काटकर खून सत्य दर्पण पे डाल दिया, जिससे सांप वहां से गायब हो गया। राजा वो दर्पण लेकर महल वापस आ गया, और राज्य की सारी लड़कियों को राजमहल में बुलाकर एक एक कन्या को उस दर्पण में देखने लगा। 100 से ऊपर लड़की देखकर जब वो लड़की नहीं मिली तो राजा मायूस हो गए। सिर्फ एक ही लड़की बची थी। जैसे ही राजा ने उसे दर्पण में देखा तो वो खुशी से झूम उठे। तुम ही मेरे राजकुमार की पत्नी बनोगी दिव्यांका, और होने वाली रानी भी। क्या, राजकुमार से विवाह? हाँ, तुरंत राजकुमार को बुलाया जाए। राजकुमार जैसे ही वहाँ आए और जैसे ही दिव्यांका और राजकुमार की नजरें मिली तो राजकुमार खोसा गया और दूसरे ही पल बेहोश होकर गिर पड़ा। हम जानते हैं महाराज, आपने हमें क्यों चुना है। दरअसल आपने नहीं, नियति ने हमें चुना है, जो सालों से पहले तय हुआ था।
जब बुराई पैदा होती है तो उसे खत्म करने के लिए अच्छाई भी पैदा होती है। जब राजकुमार पैदा हुए तो भगवान ने हमें अच्छाई बनाकर पैदा किया और हम उसी बुराई का अंत करेंगे, क्योंकि आज रात राजकुमार रानी का कत्ल करने वाले हैं, क्योंकि रानी ने उन्हें भरे दरबार में सबके सामने डांट लगाई थी। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और दिव्यांका से रानी को बचाने की मदद मांगते हैं। दिव्यांका उन्हें यकीन दिलाती है कि वो कुछ गलत नहीं होने देगी। रात को राजकुमार रानी को कत्ल करने के इरादे से जैसे ही कक्ष से निकलने लगा, तभी दिव्यांका सज धज कर सुंदर कपड़े पहनकर राजकुमार के कक्ष में आ जाती है। दिव्यांका को सजा देख राजकुमार जैसे दीवाना ही हो जाता है। हमने आज तक तुमसे सुंदर लड़की नहीं देखी, एक ही नजर में मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम हमसे विवाह करना चाहोगी? एक शर्त पर, हम आपको आजमाना चाहते हैं कि आप हमारे लायक हैं भी या नहीं, तभी हम आपसे विवाह करेंगे।